हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वी एट फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट शेयर करने वाली हूँ। आपका जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें हमारा एक टॉपिक रहता है एडोलेसेंस। तो हमारा जो असाइनमेंट है वो हमारा इसी टॉपिक पर रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमें हर किसी यूनिट से एक ना एक असाइनमेंट मिलता है बनाने को, तो हमें जो टॉपिक मिला था वो है रोल ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एडोलेसेंस, मतलब किशोरों के जीवन में मीडिया की भूमिका। तो अगर आपको भी इसी टॉपिक पर असाइनमेंट बनाना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपने अभी तक मेरी पिछली असाइनमेंट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, वो सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हेमा लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दिया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का असाइनमेंट। तो सबसे ऊपर हम इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे कि किशोरों के जीवन में मीडिया की भूमिका। देन इसके बाद हम कुल्हन के अनुसार, मतलब कुल्हन ने जो भी डेफिनेशन बताई है किशोरावस्था की, वहाँ से हम अपना असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है। यह उम्र का वह पड़ाव है जहाँ ना तो बचपना रह जाता है और ना ही वैचारिक परिपक्वता आती है। ऐसे में किशोर किशोरियों को समझना उनके अभिभावकों के लिए भी एक मुश्किल सा हो जाता है। यदि आज के समय में दृष्टि डालें तो किशोरों के लिए इंटरनेट, मोबाइल आदि इन सब का प्रयोग एक साधारण और आम बात बन चुकी है। आज का दौर सही मायने में युवा शक्ति का दौर है। भारत में इस टाइम 65% के करीब युवाएं, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं, और इन युवाओं को जोड़ने का कार्य सोशल मीडिया करता है। विगत 5 वर्षों में किशोरों द्वारा फेसबुक और माई साइट्स जैसे सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। स्टेटिस्टा के अनुसार वर्ष 2017 तक विश्व में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 अरब 46 लाख हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश भाग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम में उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों अरबों में पहुंच चुकी है। युवाओं के जीवन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अगर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़े की माने तो भारत के शहरी इलाकों में प्रत्येक 4 में से 3 व्यक्ति सोशल मीडिया का किसी न किसी रूप में प्रयोग करता है। इसी रिपोर्ट में 35 प्रमुख शहरों के आंकड़ों के आधार पर यह भी बताया गया कि 77% उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोबाइल से करते हैं। सोशल मीडिया तक पहुंच कायम करने में मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसमें भी युवाओं की भूमिका प्रमुख है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल लिखने के बाद अब हम भारत में कितने परसेंट लोग जो है वो मतलब सोशल मीडिया से एप्स का यूज़ कर रहे हैं, हम उसका आंकड़ा यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हम पूरी टेबल बना लेंगे। एक तरफ तो हम लिखेंगे ईयर्स और दूसरी तरफ लिखेंगे उपयोगकर्ताओं की संख्या, जो कि लाखों में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2015 से लेके 2022 तक के आंकड़े यहाँ पर मतलब लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया यूज़र्स की संख्या जो 2015 में 142.23 मिलियंस थी, वो 2022 में जाकर 370.77 मिलियंस हो गई। तो इस तरीके से हम पूरी ये टेबल बना लेंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हर किसी एज ग्रुप के कितने परसेंट लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसी को मैंने यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से शो किया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से पूरा डायग्राम बना लेंगे। ये देखिए परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूज़र्स इन ईच एज ग्रुप। तो नीचे तो मैंने 2012 से लेके 2021 तक ईयर्स लिखी हुई हैं और ऊपर मैंने लिखी हुई है नंबर ऑफ़ यूज़र्स इन परसेंटेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स एडोलेसेंस ही हैं और सबसे कम 65+ एज ग्रुप के लोग हैं। तो इस तरीके से पूरा डायग्राम बनाने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में प्रत्येक 4 में से 3 व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। इसी रिपोर्ट के बेस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट,
मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सोशल नेटवर्किंग एक्सेस की औसत आवृत्ति एक सप्ताह में 7 दिन। सेकंड फेसबुक को भारत में 97% सोशल मीडिया प्रयोक्ताओं द्वारा एक्सेस किया जाता है। थर्ड, भारतीय सोशल मीडिया पर हर रोज लगभग 30 मिनट व्यतीत करते हैं और इन यूजर्स में सबसे अधिक जो संख्या है वो युवाओं की है। तो आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किशोरों पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ही गहन है। ये वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। किशोर और सोशल मीडिया एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जहाँ एक ओर सोशल मीडिया युवाओं को सपनों को नई दिशा दे रही है, वहीं दूसरी ओर किशोर अपने सपनों को साकार करने के लिए इसको अपना माध्यम भी बना रहे हैं। इंटरनेट से लेकर 3G मोबाइल तक किशोर सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश की सरहदों को पार कर रहे हैं। देखा जाए तो किशोरों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक नशा सा हो गया है। अतः किशोरों के सामाजिक संवेगात्मक विकास पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का गहन प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। ये प्रभाव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वे में हो सकता है। तो पहले तो हम इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स सीख लेते हैं कि सोशल मीडिया के किशोरों पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसके निगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। तो मीडिया के किशोर पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है विचारों का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान। सेकंड पॉइंट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने देशों से दूर रहते हुए भी परिवार व मित्रों से निरंतर संपर्क में बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों से मेलजोल बनाने में भी सोशल मीडिया जो है वो सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि सामुदायिक कार्य में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। फिफ्थ पॉइंट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम राजनीतिक एवं लोकहित के कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है सृजनात्मकता के व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर अपनी रचनात्मकता में वृद्धि करना। सेवेंथ पॉइंट है कि मीडिया के विस्तृत ज्ञान जैसे कि ब्लॉग आदि के माध्यम से ज्ञान को विस्तार देना। तो एट्थ पॉइंट है कि सामाजिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करो, उसमें अपेक्षित सुधार की दृष्टि से सहयोग प्रदान करना। नाइन्थ पॉइंट है कि मीडिया के माध्यम से ही हम वैश्विक समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद टेंथ पॉइंट है कि देश विदेशों की यात्राएँ करने में सहायता प्रदान करना। इसके बाद 11th पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक कौशलों में दक्षता प्राप्त करना। ट्वेल्थ पॉइंट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां ऑनलाइन के माध्यम से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेट के माध्यम से हमें कई क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से हमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा की दृष्टि से भी मीडिया एक अच्छा उपकरण है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समाज में सोशल अवेयरनेस जैसे कार्य भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी भी हमें इसकी सहायता से इजीली उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया किशोरों पर मीडिया के पड़ने वाले पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। अब हम इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसके नकारात्मक प्रभाव। सोशल मीडिया के किशोरों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव भी निम्नलिखित हैं। जहाँ एक ओर हम इसके पॉजिटिव साइड्स को देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इसके नेगेटिव साइड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो फिर चलिए वन बाय वन
देखते हैं कि सोशल मीडिया के किशोर पर कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है नींद ना आना, सेकंड पॉइंट है इंटरनेट की लत लग जाना, थर्ड पॉइंट है आत्मसम्मान का अभाव हो जाना, फोर्थ पॉइंट है फेसबुक डिप्रेशन या फिर अवसाद जैसे डिसीज से ग्रसित हो जाना, नेक्स्ट पॉइंट है एकाग्रता में कमी, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है साइबर धमकी या साइबर बुलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक गतिविधि में कमी, फिर एट्थ पॉइंट आता है सामाजिक अलगाव। तो ये सारे मीडिया के नेगेटिव साइड्स हैं जो कि किशोरों में देखने को मिलते हैं। तो अब हम वन बाई वन इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी निष्कर्ष की। तो मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आएगी वो है निष्कर्ष की। तो इस तरीके से हम पूरा ये निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का असाइनमेंट। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस चाहते हैं तो हेमा लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।